अगले दिन बोटिंग का मजा लेना था, तो मैं सबसे पहले हावड़ा स्टेशन के सामने वाले घाट पर आई जहाँ से बोट्स आ जा रही थी। मैंने भी एक बोट हायर की और उसमें बैठ गई। सुबह सुबह बहुत मज़ा आ रहा था। दोस्तों, अभी मैं बोट राइड का मजा ले रही हूँ। ये नदी बहुत ही बड़ी है, इसकी चौड़ाई लगभग 750 मीटर है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आई एम फीलिंग एक्सीलेंट। तो दोस्तों, मैं शिप में बैठी थी, बहुत मजा आया था। ठंडी हवा, खाने का तो मजा ही कुछ और है, और राइड करने में भी मजा आया। दोस्तों, आप कोलकाता आए और विक्टोरिया मेमोरियल तो जाना बनता ही है, तो आई एम हेडिंग टू विक्टोरिया मेमोरियल। फ्रेंड्स, विक्टोरिया मेमोरियल वॉज कंस्ट्रक्टेड टू ऑनर क्वीन विक्टोरिया। यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू भी है। यह बिल्डिंग टोटली व्हाइट मार्बल से बनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर हूँ। यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, बहुत ज़्यादा ही व्यू हो गए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एक म्यूजियम भी है। यहाँ हिस्टोरिकल चीजों को दर्शाया गया है। यहाँ पर रॉयल गैलरी है, पेंटिंग्स भी हैं। यहाँ पर कैलकटा गैलरी भी है, विच इज डिवोटेड टू हिस्ट्री ऑफ कैलकटा। जब मैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर गई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड फैक्ट्स भी देखे। मैंने इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए गए वीपन्स की झलकियाँ भी देखी। यहाँ पर साइंस से रिलेटेड सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ की आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाती हूँ। बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। ऊपर से सन सिटी को देखने का अलग ही अनुभव है।
पार्क में मैंने काफी एंजॉय किया। इको पार्क में दुनिया के 7 अजूबों के मॉडल दिखाए गए हैं और हर किसी को ये मॉडल देखने जरूर आना चाहिए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा जॉर्डन, ब्राजील क्राइस्ट का स्टैचू, ताजमहल, कोलोसियम ऑफ रोम, इजिप्ट पिरामिड को दिखाया गया है।
मुझे डिनर करने विश्व बांग्ला रेस्टोरेंट जाना था, जहाँ एक घंटे पहले डिनर की बुकिंग की जाती है और इको पार्क भी 7:30 PM से पहले बंद हो जाता है, इसलिए मैं इको पार्क को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। यहाँ पर एफिल टावर का मॉडल भी है जहाँ मैं नहीं जा पाई। अगर आप कोलकाता आए तो थोड़ी जल्दी इको पार्क आए ताकि आप पूरा विजिट कर सकें। दोस्तों, हमारी कोलकाता ट्रिप को कम समय में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अजय अंकल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आप कोलकाता आए तो अजय अंकल को जरूर कांटेक्ट करें। ही इज अ जेंटल पर्सन। वो आपको शॉर्ट टाइम में कोलकाता सिटी घुमा देंगे और इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे। मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। Video.